फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा पीडीएफ फॉर्मेट होता है, यानी कि प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो हम इस फॉर्मेट को कैसे एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसके कंटेंट्स को जो है हम एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमितेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्नो चैट रूम, बात काम की। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसको आप लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स आप जरूर करें। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि हमको कैसे पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट या फिर एडिट करना है एमएस वर्ड में। तो यहाँ पर मैंने कुछ पीडीएफ फाइलें जो हैं सेव कर रखी हैं, तो इन्हीं फाइलों पर हम जो है प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पहले इन फाइलों को हम कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इनको एडिट करके देखेंगे कि हम इसको कैसे एडिट कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो आइए पहले देखते हैं कि इस फाइल में कंटेंट्स क्या हैं। तो पहली फाइल को हम ओपन करते हैं। तो ये जो फाइल है अभी हमने एक्रोबैट रीडर में ओपन की हुई है और ये एडिटेबल नहीं है, तो अगर मैं चाहूँ इसको एडिट करना तो नहीं हो पाएगा। ये देखिए, मैंने स्पेस बार मारा तो ये शिफ्ट होने की बजाय नीचे जंप कर गया, क्योंकि ये एक्रोबैट रीडर में ओपन है। तो इस फाइल को हम पहले क्या करते हैं, एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और एमएस वर्ड ओपन करते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आप क्या कीजिए, इस फाइल को सेलेक्ट कीजिए और ड्रैग करके लाइए और एमएस वर्ड पे ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप जैसे ही आप करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा, वर्ड विल नाउ टू कन्वर्ट योर पीडीएफ टू एन एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इस मैसेज को अगर आप दोबारा नहीं देखना चाहते तो डू नॉट शो दिस मैसेज अगेन पे जब आप क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो ये मैसेज आपके सामने नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, या फिर आप जो है यहाँ पे ओके भी कर सकते हैं। ओके करने के बाद ये कंटेंट्स आपके सामने फाइल के आ चुके हैं। आइए हम इसको थोड़ा मैच करा के देख लेते हैं। तो ये देखिए, आप जिस फाइल के सेम कंटेंट्स यहाँ पे भी हैं जो हमने अभी कन्वर्ट करी है। अब ये जो फाइल है ये एडिटेबल है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो वर्कशीट है ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सेंटर में नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे एडिट करके इसको हम सेंटर में ले लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम जो है सोहन के जगह रोहन कर देते हैं, और हम जो है इमेज को भी थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस फाइल को अब कम्प्लीटली जो है एडिटेबल हो चुकी है, आप इसमें जो चाहे कर सकते हैं, लाइन ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो जब आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है एडिट कर लेंगे तो आपको क्या करना है, फाइल मेनू पे क्लिक करना है। फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपको उस पर डेस्टिनेशन बतानी होगी, तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइल का नाम शो हो रहा है और सेव एज टाइप में अभी वर्ड डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। तो अगर आप चाहें इस फाइल को एमएस वर्ड वाले फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें इसको पीडीएफ में सेव करना, तो जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है मिल जाएगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको जो है फाइल का नाम देना है। तो अभी सिंपली हम क्या करते हैं, इसके आगे एडिट लगा देते हैं जिससे हमको पता रहे कि ये फाइल एडिट हो चुकी है। तो एडिट लिखने के बाद आप इस फाइल को सेव कर दीजिए। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ भी चेंजेस हो जाएंगे। बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है सोहन का रोहन हो चुका है, वर्कशीट जो है सेंटर में आ चुकी है और इमेज हमारी जो है थोड़ी बड़ी हो चुकी है। तो ये फाइल हमारी एडिट हो चुकी है। तो एमएस वर्ड में हम इस तरह से पीडीएफ फाइलों को जो है कन्वर्ट करके एडिट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि अगर हमको कोई हिंदी फॉर्मेट की फाइल को कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम फाइल को पहले बंद कर देते हैं और इस फाइल को भी हम बंद कर देते हैं। तो अब हम जो है एक हिंदी की फाइल को ओपन करते हैं। तो ये हिंदी के फाइल के कंटेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस फाइल में दो पेज हैं। तो अब हम जो है इस फाइल को भी सेम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे जैसे अभी हमने इंग्लिश की फाइल को किया था। तो एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और इस फाइल को हम जो है ड्रैग करके एमएस वर्ड के ऊपर ला के ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने ये फाइल ओपन होगी। तो इसमें हमको जो है अभी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस फाइल का जो है फॉन्ट चेंज करेंगे। तो उसके लिए आप कंट्रोल ए प्रेस कीजिए कीबोर्ड से सेलेक्ट ऑल करने के लिए। फॉन्ट वाले ऑप्शन में जा करके हम यहाँ पे हिंदी का एक फॉन्ट ले लेंगे, कृतिदेव। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कृतिदेव फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो कंटेंट्स हैं वो हिंदी में आ चुके हैं।
अब हमको यहाँ पे क्या करना है, पहले इसका जो टैब है वो हमको यहाँ पे सेट कर लेना है कुछ इस तरह से। टैब सेट करने के बाद अब आइए क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं ओरिजिनल फाइल से और इसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग को इसकी सेट कर देते हैं। यहाँ पे एंटर आएगा और ये देखिए कुछ जो इसके कंटेंट्स हैं वो सब अप डाउन हो चुके हैं, तो हम इसको जो वन बाय वन जो है रिस्टोर कर लेते हैं सेम वैसे ही जैसे हमारी ओरिजिनल फाइल में है। तो यहाँ पे इसको हम कट करके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसको जब हम डिलीट करेंगे तो ये लाइन जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी कुछ इस तरह से। ऐसे हम इस लाइन को भी जो है सही कर लेते हैं और अब हम जो है नीचे वाली लाइन को भी डिलीट करके सही कर लेते हैं। और ये जो हमारा कंटेंट है ये टेबल में है, जो ये प्लस साइन बना रहा है इसका मतलब ये टेबल में है, तो इसको आप सिंपल क्या कीजिए ऊपर ड्रैग कर लीजिए क्लिक करने के बाद। ये देख सकते हैं और ये एरो जो है ये हम एरो भी ला सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में हमारा एरो मिल जाएगा। जब हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ शेप में जाना है और शेप में जाने के बाद आपको यहाँ पे एरो सेलेक्ट करना है। एरो सेलेक्ट करने के बाद हम कुछ इस तरह से एरो बना सकते हैं इसी में। ये हमारा एरो बन चुका है, अब आप इसमें जो है एरो को रख सकते हैं यहाँ पे लाके इस तरह से। तो जो पहले वाला है हमारा इसको आप रिमूव कर दीजिए। ये इसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरी लाइन को आप यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं और इस लाइन को आप सेलेक्ट कीजिए कॉपी और इस लाइन पर लाके पेस्ट कर दीजिए। और इसको आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कीजिए और ये एरो जो है सेंटर में आप इसके रख सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमने सारी फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और इस फाइल को आप सेम वैसे ही सेव एज कर सकते हैं जैसे हमने अभी इंग्लिश वाली फाइल को किया था डेस्कटॉप पे ले जा करके, और चाहे आप पीडीएफ में कर लीजिए चाहे एमएस वर्ड में। और इसके आगे हम पहचान के लिए इसके आगे एडिट लगा देते हैं और सेव कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम जो है पीडीएफ फाइलों को चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो हम एमएस वर्ड में उसको कन्वर्ट करके एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।